नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस। भद्रक कोटिए अधिक टंकार ब्राउन सुगार जबत। ऑटो रिक्सा रे जलेश्वर होता चालाण। धला जहर माफिया चाचीर भाई मोस्ट वांटेड एसके अशोक्र शशुर समेत चारि गिरफ। 1 लाख टंका जबत। बढ़ुची डेथ रेट राज्य में पुणि 67 मुंड नेला कोरोना। खोर्धार 25 मृत्यु। आज 2182 पॉजिटिव। सेपटे स्वास्थ्य विशेषज्ञों मत संक्रमित हो पुणि संक्रमित हेले रोगी अधिक होती गुरुतर। तृतीय लहर पर स्वतंत्र आक्शन प्लान करंतु राज्य सरकार। पारला खेमुंडी एससीएफ मृत्यु मामला। आज सौम्यों अफिस् जीव पुलिस सत खोल साइंटिफिक टीम। गतल पर लोकों उपस्थित में सौम्य जली जा घरे तदंत। परीक्षा पर यूजीसी गाइडलाइन। अक्टोबर 1 रु आरंभ हो नुआ शिक्षा वर्ष। एडमिशन नकले फेरस्त पाए टंका। सेप्टेम्बर 30 सुधा सर एडमिशन। कंधमाल रे पारिवारिक कलहर करुण परिणति। दुई पिलांकु कुओ को ठेली मारिदेला मां। हत्या पर मां निजे आत्महत्या उद्यम करिथिबा अभियोग। बालीगुड़ार रायकिया रे चांचल्य। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार आज राज्य कैबिनेट संध्यारे बसव वर्चुआल मीटिंग। विभाग परिवर्तन सह विभिन्न प्रसंगे होपे आलोचना। गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिलपे अनुमोदन। शेषे बाहुड़ा प्रस्तुति। दक्षिण मोड़ नेला तीनरथ। मौसीमा मंदिर में महाप्रभु चली पोड़पिठा या एथर संपूर्ण खबर। भद्रक कोटे अधिक टंकार ब्राउन सुगार जबत। भद्रक पुलिस कब्जा में ब्राउन सुगार माफिया। ऑटोरिक्सा जोगे जलेश्वर चालाण होता बेले धामरा रेल ओवरब्रिज निकट 1 किलो 90 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कर भद्रक ग्रामांचल पुलिस। ब्राउन सुगार मूल्य 1 कोटी अधिक टंका अनुमान करेत्र में चारजण को गिरफ्त कर। गिरफ्तार जलेश्वर ब्राउन सुगार माफिया चाचीर भाई और मोस्ट वांटेड एसके अशोक्र शशुर गिरफ्त हो। ऑटो सह नगद 1 लाख टंका जबत हो। गिरफ्तार अन्य बालेश्वर जिला उदयपुर गांव मनोज दास बराल पोखरी गांव कुनिलता षडंगी अजय कुमार षडंगी। तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित आम भद्रक प्रतिनिधि दीप्ति रंजन साहू जोड़ी होती। दीप्ति घटना कौन देखो चिन्मय देखो बारंबार भद्रक रे जो भाई भाव में दिनकू दिन बढ़ी चलती ब्राउन सुगार कारबार। यही ब्राउन सुगार कारबार देखो जलेश्वर रु आसूरी जहाँफल कि भद्रक तार काया विस्तार कर पूर्वर मध्य पुलिस को बड़ सफलता मिली कि पुलिस भी कौटी नागेदम कौटी कौटी फेलुअर होता बेले एसटीएफ भी ब्राउन सुगार धरी तेब देखा जा भद्रक ग्रामांचल को आज जहाँ बड़ सफलता एक मिली एक ऑटो जोगे जो चारज रही से ऑटो रे चारज जलेश्वर रु 1 किलो 90 ग्राम ब्राउन सुगार नहीं आसुवा बेले ग्रामांचल पुलिस सीज करता एवं जो एमबीआई आटे रही भद्रक जो ग्रामांचल पुलिस अंतर्गत जो चरंपा जो रेलवे ओवरब्रिज रही धामरारे से जगार एमबीआई आक्टर चेकिंग कराला भद्रक ग्रामांचल पुलिस पक्षर तेज संपूर्ण भाव से अटक 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 सहित अटोरे चेकिंग करटो मध्य सीट मध्य बाहरी 1 किलो 90 ग्राम ब्राउन सुगार जहाँफल कि अटोर तीन जन युवक सहित जड़े महिला थी पुलिस सूचना देते परवर्त समय से जो ब्राउन सुगार हारहारी 1 कोटी ऊर्ध टकर जहाँ पुलिस सूचना देखिए संपृक्त जो को गिरफ्त करा षड्यंत्र हाँ चिन्मय देखु कहीं जिते बड़े ब्राउन सुगार बेपारी मैंने कारबार करुँच जो मैंने छोट छोट बेपारी मानक दौंस जो से माने जो डिलर पाखु आणुँचल कि जिते बड़े चेकिंग करा कर बारंबार चेकिंग करने सहित पुलिस रो जो कड़ा प्रस्तुत रोचे जहाँफल कि दीर्घ 6 मास धरिकी भद्रक एसपी जो एनडीपीएस जो रही गोटे टीम भी गठन कराफल कि भद्रक कोण अनुकोण में ब्राउन सुगार कौट जगार आसूँ किपर भाव में बिक्री कराऊ पुलिस पूरा तीक्षण नजर रखी
सब थानावाला को अलर्ट कर ब्राउन सुगार उपर दृढ़ कार्यानुषान नापी तेज ग्रामांचल पुलिस पूर्व जिते बड़े सफल होता ए भी सूचना पाई जिते बड़े ग्रामांचल जो रेलवे ब्रिज रही जगी रही है जिते बड़े सूचना पाई जलेश्वर एक अटोरे आसूला अटोरे निहाती भाव में देखो अटोरे पैसेंजर आसमें भी देखते ये मैंने भी जो बेपारी मैंने अच्छा ये भी बसिक आसुँच सीट तले जो लुचे रखी जाइए जो रही ब्राउन सुगार को पैकेट करके जो रखा जाने ब्राउन सुगार जो बेपारी मैंने बर्तमान गिरफ कर चारजण को सामने जो महिला अच्छा हाँ निश्चित देखो ये जो महिला चरंपा अंचल जहाँ पुलिस पक्षर सूचना देती चरंपा बरालपोखरी अंचल जे कुनीलता षडंगी अच्छा सी भी पूर्व गिरफ्त होते जहाँ पुलिस भद्रक एसपी सूचना देते कि समय पूर्व से भी पूर्व गिरफ्त होते जमिन हो पुणी थे कारबार जो करते जहाँ आज धरा पड़ता जहाँ पुलिस पक्ष सूचना मिलूँ तेज अटोरे जो भाव में ब्राउन सुगार जो कारबार कर चार जन को केवल गिरफ्त कले हेबना खासकर यार चेर के पर्यटन लंबी ये घटन संपृक्त वर्तमान से नहीं खोलताड़ कर समय आसी बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति आपंकर तमाम सूचना पे आसवा परवर्त खबर को तृतीय लहर पर राज्य सरकार स्वतंत्र आक्शन प्लां करवा दरकार थे संक्रमित होगापर पुणी संक्रमित हेले रोगी अधिक गुरुतर होती तृतीय लहर पर राज्य सरकार स्वतंत्र आक्शन प्लां करवा दरकार जेनम सिक्वेन्सी बढ़ावा पड़ो यहाद्वारा आम नुआ स्ट्रेन उपर नजर रखिपर महाराष्ट्र पर ओडा भी यह पड़ो नवेम्बर मस पर्यंत आमको कोविड कटक रखा पड़ो वर्ष शेष पर्यंत समस्त कोविड नियम को मानवाक पड़ो कारण अनेक देश में तृतीय लहर आसीगला आम जदि सतर्क न रहा तेज तृतीय लहर शीघ्र आसीज अक्टोबर शेष आड़क आम राज्य में तृतीय लहर आसवर बहु संभावना रही टीका नेबा भी संक्रमण होेणु लोक कटक मानतु डबल डोज नेबा 95% मृत्यु आशंका कमिज मात्र 5% भी आमको सतर्क रहा पड़ो भाइरस आम शरीर भितर रहीपे डेल्टा वेरिएंट बहु डिफिकल्ट भाइरस आम भितर अधिक दिन रहीपे मन भितर रखीदे आमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करा पड़े आम जब न मानवा तो थर्ड वेव आसार संभावनाटा पूरा रियल कारण थर्ड वेव बर्तमान ड्रामाटिकली सर्च करती डिफरेंट कंट्रीज गुड़ाक इवेन देखो यूरोपियन कंट्री जो मैंने ये आडभांस वैक्सीनेसन भी आडभांस स्टिल स्पेन आउ जो आम नेदरलैंड ड्रामाटिकली सर्च कर नंबर अफ केसेस फ्रांस फेर तक रेस्ट्रिक्शन सब आसीगला तेणु सेगुड़ा सब कहे आम जब केयरफुल न रहा जहाँ भी वैक्सीनेसन आम जो ड्राइव जहाँ भी चलती स्टिल आडिकुएट लोक वैक्सीनेसन ना पर्यटन आम थर्ड वेव तो आसीज जदि आम केयरफुल न रहा तेनालीटा को टी केन्द्र इनसीस्ट कर पर्टिकुला आम राज्य गोटे चिंता हो जाती कारण जो छोटे राज्य नंबर ऑफ केसेस मैंने प्राय अधिका रोचे और कमुन से आम ओडा भी गोटे अच्छे तेणु गोटे कनसर्न रहा मन रखते जिते केसेस अधिका गोटे जगह रुआ म्यूटेंट स्ट्रेन डेवलप होवार संभावनाटा से अधिका तेणु जिते आम केसेस ये अधिका रोर गोटे नुआ म्यूटेंट स्ट्रेन यही जगह डेवलप कर संभावनाटा अधिका जहाँ कहे टीका गुड़ा तो मैंने इफिकेसी तार अराउंड 60-70% तेणु से तो ब्रेक थ्रू इनफेक्शन हम कारण तार इफिकेसी 100% नुहे तेनाली ब्रेक थ्रू इनफेक्शन होती है कि सिविलिट जहाँ कहते सिविलिट पर्टिकुला दुटा वैक्सीन नहीं आप डेथ्र संभावना 95% कमी जाती कि तथा डेथ्र संभावना रही है आहरी 5% तेणु आप मन रखते इवेन टीका ना डेथ्र संभावनाटा अच्छी जदि से सिग्निफिकेंटली कमी जाती तो आहरी से गवर्नमेंट इनसीस्ट करती आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूली जावा कथा नुहे जदि वो वैक्सीनेटेड अच्छा राज्य में कोरोना मृत्यु में लगुनी ब्रेक पुणी 67 जीवन नहीं भाइरस एथेर खोर्धार सर्वाधिक 25 जन मृतक रही से गंजाम 8 सुंदरगढ़ 7 पुरी और मयूरभंज 6 जन लेखाएं मृतक रही मिसाय राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4992 पहुंची सेपटे 2000 तौक खसुनी संक्रमण 24 घंटे 2182 पजिट चिन्हट होते खोर्धार सर्वाधिक 510 कटकु 308 जाजपुर 175 और बालेश्वर 161 जन आक्रांत रही पारलाखेमुंडी एसीएफ मृत्यु घटना आज सौम्यों कार्यस्थल को जा पुलिस तदंत कर साइंटिफिक टीम हत्याकांडर सुराग खोल शुक्रवार परिवार लोक और मजिस्ट्रेट को उपस्थित में सौम्य जो घरे जली जाते तहार ताला खोल जाता तेरे रूम खोलने सांघातिक सत्य सामना को आसी लगी घर क्योंटी कला दाग लगे घरे सौम्यों छड़ा आउ कौन जिनसे निग टे नौम्यू हत्या करेह बढ़ुच्छे
सौम्यों स्त्री विद्या भारती डीएफओ और रोसिया नाँ मामला रुजु हो खूब शीघ्र से जेरा पुलिस यहसह साइंटिफिक टीम जबत कर लैपटप्रु कि क्षय मिलपे पुलिस आशा रखी तेज पारिपार्श्विक प्रमाणु सौम्यों हत्या सन्देह घनीभूत हो प्रश्न उठू सौम्य जलिले केमी दुर्घटना दिन घर सौम्यों सह थिले तांको स्त्री विद्या भारती निया लागिबा नै केमती जानि पारिले नाही विद्या जदि निया लागिला घरे अन्य सब जिनस केमती सुरक्षित थिला सौम्यंक सरकारी बासभव निकट रे थिबा सीसीटीवी जांच हेबत त जने आईएनजी हिसाब रे एवं मोर जो एक्सपीरियंस अछि आकु हिसाब को लेकिन मुझे निजे ग्रहण करना से ही घरटा ही घटनास्थल जोटार कि सौम्यरंजन को हत्या करा जाऊ कि आत्महत्या करूँ कि दुर्घटना होता जहाँ भी होता से मोटे ग्रहण करना जो कथा कहते सौम्यरंजन स्त्री जे यही एक कथाटा सौम्यरंजन स्त्री ही कहते ये जगह घटनास्थल जड़े गोटे कथा आप जानतु गोटे साक्षी मिछ कथा कहीपे कि गोटे परेश कथा के कहीपरना सीसीटीवी कौन सी जगार सीसीटीवी से लगिना जोटा कहुच घटनास्थल क्वार्टर से कौन प्रकार सीसीटीवी लगिना जदि सीसीटीवी लगे कि अफिश्रे लगे कि जो अफिश क्वार्टर अच्छी से आखपाखे कौन जगह सीसीटीवी लगिना आउ से कम कर विषय मो पा कि ज्ञान ना मुझे आखिरे देखी से जगार सीसीटीवी ही लगिना ये है गोटे गोटे कथा गत काली रूम्र खातलास कला बेले सौम्यर गोटे हाथ लेखा गोटे खाता मिली से कहे मुकरी रेजिग्नेसन देदेवी मुठू ट्रांसफर होलईजी आउ स्वामी स्त्री भितर गोटे बिवाद विषय से खाता लिखुं ये सबको जदि आप मानने कंबाइनली जदि देखिए तेल निश्चित भाव ऑफिस रे कौन से ऑफिसर बड़ प्रेशर थिला जो कि आइदर प्रेशर था कि आउ कि था से जगार चाकरी छाड़ी देवा रेजिग्नेशन देवाई प्रस्तुत थे बुलेटिन समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर जारी रहा आ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर ब्रेक पर स्वागत परीक्षा पर गाइडलाइन जारी कला यूजीसी अतिशीघ्र प्रकाश पाइब विभिन्न परीक्षाफल एंट्रान्स रिजल्ट विलंब हेले भी अक्टोबर एक रु आरंभ हेब नुआ शिक्षा वर्ष कोरोना कारण एडमिशन नकले फेरस्त हबु सबु टंका सेप्टेम्बर तीस सुधा सरबो एडमिशन प्रक्रिया अक्टोबर एक सुधा पीजी यूजी पाठपढ़ा आरंभ हेब उच्च शिक्षा विभाग अधीन विश्वविद्यालय स्वयंशासित महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय यूजी और पिजि फाइनाल वर्ष परीक्षा नहीं चिंतार थे छात्र छात्री तेज शेष वर्ष परीक्षा जुलाई रु अगस्ट मास मध्य ऑनलाइन माध्यम करने निष्पत्ति एक जुलाई 2022 सुधा सर प्रथम वर्ष पिलांक सेमिस्टर एक अगस्त 2022 रु नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ हो कंधमाल पारिवारिक कलहर करुण परिणति दुई पिला कूअ को ठेली मारिदेला माँ एपरिक हत्या परे माँ निजे आत्महत्या उद्यम करटना को नहीं बालीगुड़ार रायकिया अंचल चांचल्य खेली 9 वर्ष पु 5 वर्ष झील को मृत घोषणा कर डाक्तर पारिवारिक कलहर एपरी कांड घटी कटनास्थल में पहुंच तदंत आरंभ कर पुलिस जाजपुर में अभावन घटना खुंटे बांधि वृद्धा को माड़ मार भांगिदेले घर जिनसपत भंगारुजा करने टंका और सुना भी नहीं गले सिसुआ गांव आसी एभली संगीन अभियोग दंपति भूलीगले संपत्ति भूलीगले मानविकता सिसुआ गांव गंधर्व महारणा सालकोणा गाँ रास्ता कड़ा निज जमि घर कर अभियोग अनुसार घर कर जमी को नहीं जड़े खसा गड़िया गांव संपर्क भाई अलेख महाराणा तिक्तता थी अनेक समय दुई परिवार मध्यरे गंडगोल सह कोर्टरे मध्य मामला रही किंतु गतकाली उभय परिवार मध्यरे लागि रहिथिबा विवाद उग्र रूप नहीं अपराह्नरे गंधर्व घरे नथिबा समय तांको संपर्कीय भाई कोड़िए ऊर्ध लोकंकु धरी सेठारे पहुंचीथिले घरे थिबा गंधर्वक पुओ झियोको मारणास्त्र देखाइ धमकाइबारु से घर छाड़ी गाँ भितरकु पळाइथिले एही समय घरे थिबा गंधर्वक स्त्री सावित्री महाराणाकु सेमाने निस्तुक माड़ मारिबा सह दौड़ी साहाज्यरे खुंटरे बांधि देथिले
कमिबार ना धरुनी चाषी समस्या। बरगड़े धानर अभावी बिक्री को नहीं होता चाषी आंदोलन 18 दिन में पहुंची। चाषी माने ब्लॉक तहसील कृषि विभाग भली सरकारी कार्यालय आगे धारणा देते विभिन्न समय उत्त्यक्त चाषी ऑफिस भितर धान बस्ता रखी आंदोलन करते धान बिक्री समस्या समाधान हो पारे। राज्य सरकार धान बिक्री व्यवस्था करापर चाषी माने आंदोलन हटिबे बोली चेतावनी देते एने अधिक बुलेटिन रे समय छो आउ एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत। मंगलवार महाप्रभु बाहुडा यात्रा एथिपाई आजठ आरंभ होइछि प्रस्तुति। तीन रथ नेइछन्ति दक्षिण मोड़ दक्षिण मोड़ नेबा परे गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार सम्मुखरु जाई नाकचुणा दर सम्मुख सरथापाली रे रहिबे तीन रथ। ठाकुरों आज्ञामाला आसिबा परे आरंभ होइछि रथटणा। प्रथमे तीन रथ को श्री विग्रह आज्ञामाला विजे होइथिला। आज्ञामाला को तीन जन पूजा पंडा सामंत रथ उपरक आनीथिले। आज्ञामाला लागि हेबा परे तीन रथरे दौड़ी संजोग होइ रथटणा आरंभ होइछि। परंपरा अनुजाई प्रथमे देवी सुभद्रांक दर्पदलन रथ टणा जाइछि। एहा परे तालध्वज और नंदीघोष रथ टणा कार्य संपादन करा जाइछि। रथ टणा जेभळी सहजरे हेबो सेथिपई बडसंख निकटरु मुक्ताकृष रंगमंच पर्यंत बालीपड़ी समतल करा जाइछि। सेपटे बाहुडा यात्रा दिन श्रीजीव निकट में पोड़पिठा भोग लगी हेबार परंपरा रही तेणु मौसी माँ मंदिर में चली प्रस्तुति। स्नेहमयी मौसी जगा बलिया भौणी सुभद्रांक पोड़पिठा प्रस्तुत करिछन्ते। विभिन्न प्रकार सुवासित द्रव्यर मिश्रण कर पोड़पिठा प्रस्तुत कर मौसी माँ मंदिर परिसर में यह पोड़पिठा प्रस्तुत हो। स्कूल डस्टबिन रे सरकारी चाउल कोमलमती पिलामानंक पेटर भोक हेउछि नष्ट। बालेश्वर जिला उपदा ब्लॉक खैरा प्राथमिक विद्यालय परिसर रे एभली दृश्य सामना को आसी। पिलामानंक चाउल बंटा न जाय क्विंटल क्विंटल चाउल नष्ट हेउछि। सबडे बात्या समय रे पानी पसी नष्ट हो जायथिबारु एही चाउल को डस्टबिन रे पका जायथिबा स्कूल रो प्रधान शिक्षयत्री सफै दिछन्ते। सेपरे अनेक एने स्कूल रो कोनोसी अभियोग आसिनथिबा उपदा एबीओ रत्नाकर दास प्रतिक्रिया देछन्ती। तबे चाउल नष्ट नै स्कूल पक्षरु उपरिस्थ अधिकारी को जणा जाय नथिबा बळे बात्या पूर्वरु चाउल को सुरक्षित जगह को कोन पाई निया गलानी ताकु नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। हॉस्टल टा टिके स्कूल थारु निचा हिछि तणु पानी टा टिके अधिया पानी हला माने हॉस्टल भीतर पसछि। ए जो बात्या टा गला ता भितरे पानी टा पसि के हॉस्टल भीतर पसैथला माने सब रूम रे पानी पसछि। एमिति के हम वार्डन रूम वार्डन दीदी रूम रे पानी पशिक सब जोड़ा थी तले ट्रंक भितर लुगापटा सब नष्ट हो जाए ना। मो पाखरे रिटर्न प्रूफ किसी ना मो ज्ञात सारे विषय कौन हो जानी ना जदि बीओ सार से विषय विधिवत भाव में जानी थे पाखे तथ्य किसी थी से विषय सठिक तथ्य दे पारे। नदीर एपटे गाँ आरपटे बजार आउ मेडिकल जीवाक पारि हेबाक पड़े भरा नदी आंठुए पाणी पशि नीतिदिन जास करती जमीती सबुदिनिका जीवन पलटि गला। वर्ष पर वर्ष गड़ुछि हेले आगौनी काम गजपति जिला करासडंगरु स्वप्न पलटिछि ब्रिज। करोना सांगकु पोल केबे 10 वर्षर ऊर्ध समय बितिगला अधारे अटकी निर्माण काम सबु जानिचु प्रशासन। नदीर एपटे गाँ आरपटे बजार और मेडिकल जीवाक पारि हेबाक हम फरा नदी आंठुए पानी रे पशि नीतिदिन जास जमी सबुदिनिया जीवन पलटि गला। वर्ष पर गड़ुची वर्ष हेले आगौनी काम गजपति जिला करोना संघ को स्वप्न पलटि ब्रिज। पानी पशि जातायात करुंट 4000 अधिक लोक राति पाइले आंठुए पानी रे करिबाकु पड़ुछि नदी पार। निजे नदी पार हेबा कष्टकर हेउथा बेले साइकल खाद्य सामग्री सबु किछि बोइ नेबाकु पड़ुछि। नदी पार परे भी भल रास्तेटिए नाही सेई माटी कादुओ रास्ता ही भरोसा जेउ रास्ते रे कि गाड़ी जीवा तो दूर कथा पाद चली जीवा भी मुस्किल।
ଏମିତି ନଦୀ ପାର କରିବା ଯେମିତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ କଥା ପାଲଟିଛି। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନ ନଥାଏ। ଖାଲି ପୋଲ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରରେ ଧରି ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ, ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଏସବୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଅଛୁ। ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ସରିନି। 4,000-5,000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ସୁଧାରିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବୋଲି। 10 ବର୍ଷ ହବ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନେଉଛି, କେଉଁ କାମ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଏବେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏପଟ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରହିବା ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ କିମ୍ବା ସବୁକିଛିରେ ଅସୁବିଧା ଆମର। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 2008 ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆରେ ପ୍ରଥମେ 30x63 MRT ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 4,34,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ହୁଡ୍ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 100.54 MRT ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ନକ୍ସା ବଦଳା ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 15,17,00,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା। 2019 ତିତ୍ଲି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ 112.875 MTR ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି 6,05,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର କେବଳ 2-3 ବ୍ରିଜ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କରି କାମ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେଇକି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର କଳା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା କୁଜା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଗୁମା ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଭରିଗଲେ ବି ଆସଯା ହେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆଟ ବାଟକୁ ପନିପରିବା ଫଳ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଥର କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିରି ସେଇଟା ବି ନେଇକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତଥାପି କିଛି ହେଉନି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଠିକାଦାରର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ, ଅଧା ପନ୍ତରୀ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାମ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଗଜପତିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।